नमस्कार दोस्तों, सौरभ ज्ञानियर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको A to Z सिरप के बारे में जानकारी देंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी होती है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको A to Z सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल सौरभ ज्ञानियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें A to Z सिरप के मार्केट प्राइस की, तो इसकी मार्केट प्राइस 190 रुपये है और इस सिरप की मार्केट प्राइस समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है और यह सिरप 200 ml की पैकिंग में आती है। बात करें इस सिरप की कंपनी के बारे में, तो इस सिरप को एल्कम लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। बात करें इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में, तो इस सिरप के कंपोजिशन में मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल और एंटी ऑक्सीडेंट होता है। फ्रेंड्स, बात करें इस सिरप के यूजेस के बारे में, A to Z सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। फ्रेंड्स, इस सिरप में कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। फ्रेंड्स, यह सिरप बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। यदि आपके शरीर में खून की कमी हो गई हो, या फिर कमजोरी आ गई हो, या फिर थोड़ा सा काम करने पर आलस महसूस होता हो, हाथों या पैरों में दर्द होता हो, हाथों या पैरों में झुनझुनाहट महसूस होती हो, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल करने से आपको भूख अच्छी तरह से लगती है, जिससे आपका वज़न बढ़ता है और आपका शरीर मोटा भी होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाती है, जिससे कि कमजोरी और थकान रहती है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप का इस्तेमाल करने से बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिससे कि आपके शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही बेहतरीन सिरप है, जो कि पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है और पोषक तत्वों की कमी के कारण जो भी समस्याएं होती हैं उन्हें भी पूरा करता है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में, इस सिरप को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस सिरप की नॉर्मल डोज की बात की जाए, तो इस सिरप की नॉर्मल डोज एक एडल्ट व्यक्ति में 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, तभी इस सिरप का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस सिरप की डोज उम्र और वज़न के हिसाब से अलग अलग होती है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है यह उसकी समस्या के ऊपर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में इस सिरप का इस्तेमाल करने को कहें, आप उतनी मात्रा में इस सिरप का इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, A to Z सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट में जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, गैस बनना, सर दर्द होना, इसके अलावा कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में दाने निकलना, लाल चकत्ते होना, उनमें खुजली होना, यह सब इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि किसी किसी को होते हैं, सबको नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि इस सिरप को लेने के बाद आपको कोई ऐसी समस्या होती है, तो इस सिरप को बंद करके अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें।
तो फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की जानकारी A to Z सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।